चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एसी सर्विस करते समय हमारे पास कौन सा बैग होना चाहिए, यानी जो सर्विस करने जाते हैं तो उसके अंदर कितने प्रकार की चैन होने चाहिए, यानी पॉकेट होने चाहिए, और किन किन पॉकेट में क्या क्या टूल्स रखना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरे जगह यानी डोर टू डोर सर्विस करते समय हमारे पास सारे टूल्स एक बैग के अंदर होना चाहिए, या इसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए या प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज को हम पूरी तरह से बैग के नस नस के बारे में जानेंगे कि बैग के अंदर कितने प्रकार की चैन होती है या इसके जो टूल्स होते हैं किन किन पॉकेट में रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताने की कोशिश करेंगे, मेरे पास एक बैग रखा हुआ जो रॉयल कंपनी का है, यानी कि बढ़िया क्वालिटी के पास आपका बैग होना चाहिए, चाहे वो रॉयल कंपनी का हो, चाहे सैमसंग कंपनी का हो, चाहे एलजी कंपनी का, बहुत सारे कंपनियों का बैग आता है, तो आपके लिए बढ़िया क्वालिटी का बैग होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसके अंदर एक बैग के अंदर कम से कम 25 से 30 किलो, यानी इसके अंदर 25 से 30 किलो वजन लेके जाना पड़ता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह आपको 25 से 30 से किलो वजन लेके चलना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि ताकि ये बढ़िया क्वालिटी का बैग रहेगा तो आपको क्या लेके जाने में और टूल्स सारे रखने में आपको आसानी पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बात करेंगे, बैग के दो चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक क्या होता है कि आपका ये जो होता है हैंड, जो पकड़ने वाला है हैंड होता है, ये चीज आपका बहुत अच्छी। देखिए, ये बैग में कम से कम 25 से 30 किलो वजन है क्योंकि ये चीज आपका मजबूत रहेगा और ये गद्देदार रहता है, तो एक क्या होता है कि उखड़ने में आपको ले जाने में आसान होता है। और दूसरी क्या होता है इसका, एक क्वालिटी होती है, देखिए जो एक होता है बेल्ट, इसका जो कंधे पर टांगने वाला बेल्ट होता है, ये भी आपका बहुत मजबूती तक होना चाहिए ताकि इसको आपका सर पर लेके जा नहीं सकते, इसको उठा के हम सर पर लेके नहीं जा सकते, इसको कंधे पर टांग के या हाथ से टांग के ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। तो दो चीज आपका ये बैग के अंदर बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, ये आपका ये चीज ये होना चाहिए, जो आपको टांगने वाला बेल्ट होना चाहिए या हाथ से उठाने वाला ये आपका होता है हैंड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैग के सारे चैन को खोलेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि कौन से चैन पॉकेट के अंदर कौन सा टूल रखा, क्योंकि ये बैग आपकी सर्विस के लिए आया हुआ और सर्विस करने के बैग जाता है, तो सारे टूल्स इसके अंदर रखा हुआ है, सारे टूल्स को हम बारी बारी देखेंगे और किस बैग के अंदर यानी किस चैन के अंदर सारे टूल्स रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर्विस बैग के सारे चैन को हम बारी बारी खोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बैग के सबसे ऊपर यानी सबसे पहले आपको ये कवर दिखाई देगा, यानी कि बैग के ऊपर कवर लगा, कवर को हटाते हैं, यानी ये मेन कवर को हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, यानी कि ठीक इसके नीचे एक छोटा सा चैन लगा, यहाँ चैन बॉक्स या चैन पॉकेट लगा यहाँ। अब चैन पॉकेट खोलेंगे और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, इसके अंदर देखिए बहुत छोटे बड़े, यानी कि ये बहुत छोटे बड़े टूल्स वगैरह, एक छोटा सा कंडेंसर वगैरह रखा हुआ, ये आपका गैस का चाबी रखा हुआ और ये छोटा सा आपका क्या टूल्स वगैरह रखा, और कुछ एंटी मोस रखा हुआ, एक आपका माचिस बॉक्स रखा हुआ, यानी ये छोटे बैग के अंदर ये टूल्स छोटे से रखा हुआ है। और ठीक इसके सामने दो थैली, एक इधर पॉकेट है, एक इधर पॉकेट है, ठीक इस पॉकेट के यहाँ आपको एक कंटिन्यू टेस्टर बॉक्स रखा हुआ और एक आपका ये आपका रखा हुआ जो लाइट वाला होता है टेस्टर होता है, लाइट चेक करना टेस्टर रखा, यानी दो टेस्टर यहाँ रखा, एक कंटिन्यू टेस्टर रखा हुआ, एक लाइट टेस्टर रखा हुआ। और ठीक इसके बगल में आपको छोटा सा पॉकेट, यहाँ देखिए पॉकेट में देखते हैं क्या रखा हुआ, ठीक पॉकेट के अंदर ये आपका, हाँ देखिए पॉकेट के अंदर देखिए ये आपका रिले और ओवरलोड, यानी क्या नाम आपका फ्रीज में यूज होने वाला रिले ओवरलोड इसके अंदर सुरक्षित रखा हुआ ताकि ये पॉकेट के अंदर रहे और कहीं से भी आपको ये खराब ना हो। और ठीक इसके बगल में एक बड़ी सी पॉकेट है, बड़ी सी पॉकेट को हम देखते हैं क्या रखा है इसके, ठीक इसके बगल में देखिए ये बगल में आपका रखा हुआ है दो रनिंग कैपेसिटर रखा, यानी कि एसी में यूज होने वाला दो रनिंग कैपेसिटर आपका रखा हुआ। और ठीक इसके बगल में छोटे बड़े टूल्स वगैरह रखे हैं, ये छोटे बड़े आपका टूल्स वगैरह इसके रखे हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट पॉकेट के अंदर आपका ये छोटे बड़े टूल्स यहाँ रखा। अब खोलेंगे हम इसके मेन चैन को, यानी कि इस चैन को खोलते हैं, जो मेन चैन होता है देखिए ये मेन चैन है, मेन चैन खोलते हैं, ठीक इसके अंदर एक प्लास्टिक का बॉक्स रखा हुआ, बॉक्स के अंदर बहुत छोटे बड़े इलेक्ट्रिकल पार्ट इसके अंदर है, हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो खराब होने वाली चीज होती है। अब देखिए हम बॉक्स को खोलेंगे, बॉक्स खोलेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट का, देखिए ये आपका फ्रिज का बल्ब है, यानी इसके अंदर फ्रिज का बल्ब रखा हुआ जो कांच का होता, अगर इस बल्ब को इसके अंदर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बल्ब क्या होता फूट जाएगा, खराब हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए एक थर्मोस्टेट रखा हुआ, कई कंपनियों के थर्मोस्टेट रखा जाता है जो कहीं ना कहीं ये भी कहीं टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा, ठीक इसके अंदर सुरक्षित रखने के लिए ये भी रखा जाता है। और इसके अंदर देखिए कंडेंसर वगैरह रखा हुआ, और इसके अंदर देखिए ये आपका डबल डोर फ्रिज का टाइमर रखा हुआ, और इसके अंदर देखिए आपको छोटे छोटे स्क्रू इसके अंदर बहुत सारे
बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रूप रखा हुआ ताकि ये आपका एक जगह इकट्ठा रहे, पूरी बॉक्स के अंदर इकट्ठा रहे और तुरंत मिल जाए। अगर इसको हम बाहर कर देंगे कहीं ना कहीं सारे स्क्रूप बिखर जाएंगे, इसीलिए बॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे सामान होते हैं उसको क्या करते हैं यहाँ रखने के लिए रखते हैं। अब ठीक ना, इसको हम अलग कर दे रहा हूँ। अब हम बात कर अब मेन बैग के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कितना टूल्स रख सकते हैं, यानी कितने टूल्स इसके अंदर हैं। तो सारे टूल्स को हम बारी बारी निकालेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाने को ये बैग के अंदर एक आपका ये आपका बैग के अंदर एक आपका बोर्ड रखा है, यानी कि ये जो बोर्ड होता है कभी भी सर्विस करने जाते हैं तो बैग के अंदर एक बोर्ड होना चाहिए, ठीक ना। और देखिए आपके पास एक आपका ये मैनिफोल्ड गेज और उसका एक लाइन तीन लाइन होना चाहिए, यानी कि इसके साथ में जो कनेक्ट लाइन होता है जो कभी भी हम गैस चलाना हो, वैक्यूम करना हो या लीकेज चेक करना हो तो मैनिफोल्ड गेज भी इसके अंदर आपका होना चाहिए, यानी बैग गैस मैनिफोल्ड गेज भी है और इसके अंदर एलपीजी गैस भी है और एक आपका 600 गैस भी है और आपका ये R134, यानी कि ये बैग के अंदर आपका इतने सारे टूल्स आपका रहते हैं। ठीक मेन जो बैग होता है मेन बैग के अंदर आपका बहुत सारे टूल्स इकट्ठा रह सकते हैं। इसके अंदर देखिए आपका ये टेप वगैरह है, आपका ये आपका लैंप भी वगैरह इसमें रखा हुआ, अब एक तार भी रखा हुआ और ये सर्विस आपका सर्विस ब्रश भी रखा हुआ और इसके अंदर बहुत सारे देखिए इसके अंदर बहुत सारे छोटे बड़े टूल्स, यानी इस बैग के अंदर जो आपका मेन होता है यानी मेन होता है बहुत जगह इसमें जगह होता है, इसके अंदर बहुत सारे हम टूल्स रख सकते हैं ताकि कहीं भी से भी आपको कहीं भी सर्विस करते समय आपको कहीं से कोई टूल्स की कमी ना हो। तो हम इसको क्या करते हैं इसको हम रखते हैं अब ठीक, इसको सारे हम टूल्स को क्या करते हैं इसके अंदर रख देते हैं। बारी बारी हम टूल्स को अंदर रख दिए, अब हम दूसरे चैन को बारी से खोलेंगे और उसको चेक करेंगे कि दूसरे चैन के अंदर क्या क्या टूल्स रखते हैं या क्या क्या टूल्स रखा हुआ। हम इसको क्या करते हैं बंद कर देते हैं, इसको हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अब देखिए अब इसके इसके बगल वाले को यानी बगल वाले चैन को खोलेंगे, अब इस चैन को खोलेंगे यहां से यहाँ चैन खोलेंगे, इसके बगल में भी एक चैन लगा हुआ ठीक खोलेंगे। अब देखिए साइड कर रहा हूँ, अब खोलेंगे तो इसके अंदर दो दो खाने हैं, देखिए यहाँ ना एक खाना इस साइड है और एक खाना इस साइड है। तो अभी खाने को हम देखिए यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा ये आपका ये आपका क्लैंप मीटर रखा है, यानी कि ये क्लैंप मीटर है, कभी भी हम सर्विस करने जाए तो क्लैंप मीटर भी आपके साथ बैग में होना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए। क्लैंप मीटर से क्या होता है कि हम गैस चेक करते हैं और वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, इसको भी साइड कर रहा हूँ। देखिए अब इस साइड में बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे आपका टूल्स है जो सुजिंग करने के लिए, ब्रिजिंग करने के लिए और वायर कटर भी आपका है, आपका स्विंगिंग टूल्स आपका पास है, आपका ये देखिए दिखाने की कोशिश करेंगे, आपका देखिए आपका एक्सो ब्लेड है, नोक्स प्लायर है, पकड़ है, आपका ये फाइल वगैरह इसमें रखा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है और आपका सूजिंग पंच, यानी कि एक खाने में बहुत सारे हम टूल्स रख सकते हैं जो इकट्ठा रख सकते हैं ताकि कहीं भी जाते हैं तो आपको पूरा टूल्स एक खाने के अंदर इकट्ठा मिले, ठीक ना। इसको भी हम बंद कर दे रहा हूँ, इसको भी हम इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इस बगल एक और चैन की बात करें, इस समय एक और चैन यानी कि इसमें बहुत सारे चैन होते हैं, सारे सारे चैनों को खोलते हैं, इसको हम चैन खोलते हैं। देखिए जब से चैन निकालेंगे देखिए कुछ इस प्रकार इसमें भी एक प्रकार की आपका देख टूल्स रखा हुआ, ये देखिए ये सर्विस आपका जैकेट है, यानी कि कभी भी सर्विस करने जाते हैं ये भी आपके साथ होना चाहिए, यानी एक खाने में आपका सर्विस जैकेट भी होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए अब इस तरफ भी अब इस बैग के इस तरफ भी एक खाना बना हुआ है, यानी कि इस खाने में एक स्पंज रखा हुआ है और इसके अंदर भी देखिए इसके अंदर भी एक इंची टेप रखा, यानी कि इस तरफ बैग के इस साइड में अब एक खाना बनाता है, खाने में हम इसी टेप वगैरह रख सकते हैं यार। और इस साइड यानी कि इस बैग के इस तरफ भी आप एक खाना बना हुआ, इस खाने के अंदर भी आपको ये देखिए एक कैपेसिटर वगैरह रखा हुआ है, यानी कि बहुत सारे जगह इसमें एक बैग के अंदर बहुत सारे जगह है, हर जगह में कहीं ना कहीं आपको कोई छोटा बड़ा सामान जहां जहां आपको आवश्यकता होती है वहां वहां बैग के अंदर रख सकते हैं ताकि कहीं भी आप सर्विस करने जाए तो आपके साथ में पूरा टूल्स आपके बैग के साथ होना चाहिए। अब हम बैग के सारे पॉकेट को हम बुरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए, अगर कहीं भी आप बैग के बारे में किसी प्रकार का भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में लाइक और बेल का बटन जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।